राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन एटक की अलवर शाखा द्वारा धरने पर बैठे कर्मचारियों की मांग नहीं माने जाने के चलते मुख्य प्रबंधक का पुतला फूंका गया। इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्य प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है, लेकिन प्रबंधन अपनी हट धर्मिता के चलते सुनवाई नहीं कर रहा, इसलिए पुतला फूंका जा रहा है और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस दौरान कर्मचारी नेता तेजपाल सैनी, हरिओम चुग, रामलाल गंगाराम, कालीचरण जोशी आदि मौजूद रहे। हमारा कुछ पैसा बाकी पड़ा है, बड़ी मुश्किल से हमारे लोगों ने लड़ भिड़ कर हमारा कुछ 5-6 वितरण पैसा था, निगम हिस्सा नहीं मिला था। हमने यहाँ से प्रयास किए, भरपूर पैसा मिल गया, मत्स्य मिल गया, किजारा मिल गया, अलवर आगार के 22 साथी ऐसे रिटायर हो चुके हैं, उनको पैसा नहीं मिला आज तक। ये इसकी चीफ मिनिस्टर की मनमर्जी चल रही है, ये यहाँ से भेजा ही नहीं, हमारा पैसा वहाँ से सेंक्शन आया। इतना निकम्मा चीफ मिनिस्टर मेरे ख्याल से आते नहीं आया। हमारे यहाँ दुकानदारों का 3 करोड़ बाकी पड़ा है पैसा, 3.5 करोड़ बाकी पड़ा है, तो अगर वो पैसा मिले तो हमें भुगतान कर सकता है यार कर्मचारी को, वो नहीं विश्व कर रहा है। हाँ। आज हमने पुतला फूंका इनका, और अगर ये नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से हमारा आंदोलन और उग्र होगा। क्या नाम है आपका? गंगाराम शर्मा, सेक्रेटरी रिटायर्ड एसोसिएशन अलवर।